हेरासमेंट आप सब लोगों ने देखा। 13 अक्टूबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, तो विसर्जन करने के लिए दुर्गा प्रतिमा की जा रहे थे, तो क्या मतलब होता है कि एक घर के अंदर जा करके उसके एक मुसलमान परिवार के छत में चढ़ करके उसकी ग्रिल तोड़ी जाए, ग्रिल तोड़ने के बाद उनका धार्मिक झंडा उसे उखाड़ के फेंका जाए, वहाँ पर भगवा झंडा जबरदस्ती लादा जाए। ये गोपाल मिश्रा की हत्या की बात कर रहा हूँ, और गोपाल मिश्रा की हत्या का कारण भी आप और हम सब लोगों ने देखा कि उस घटना के बाद, उस हत्या के बाद बहराइच की पुलिस ने एक स्पष्टीकरण दिया कि गोपाल मिश्रा की हत्या में किसी भी प्रकार से उसकी देह पे करंट नहीं लगाया गया था, उसके हाथ पैर के नाखून नहीं रोचे गए थे। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की उनका भी यही कहना था कि किसी भी प्रकार की घटना ऐसी नहीं घटी। अब ये संयोग है कि प्रयोग है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा होती हो, दुर्गा प्रतिमा के लिए यात्रा निकलती हो, और उस यात्रा में जानबूझ करके एक मुसलमान परिवार के यहाँ घुस करके जबरदस्ती उनके घर में ऊपर छत जब ग्रिल तोड़ी गई, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ गोपाल मिश्रा के हत्यारे की बहन ने कहा है कि हाँ मेरे भाई ने उसकी हाथ गोली चलाई है और वो गोली में मारा गया। लेकिन गोली चलाने का कारण क्या है? जब उनकी छत में ग्रिल तोड़ी गई, बाहर भयंकर नारे लग रहे थे, तो उसने कहा ये सुरक्षा के मामले में है। तो सबसे पहली और बड़ी बात है, गोपाल मिश्रा की हत्या का मुकदमा एक उन पुलिसकर्मियों पर दर्ज होना चाहिए जिन पुलिसकर्मियों ने उसको जाकर के वहां मुसलमान के घर में घुसने दिया और ग्रिल तोड़ने की छूट दी। दूसरा, जो आयोजक थे, जिन आयोजकों ने दुर्गा प्रतिमा की बजाय उसमें शामिल लोगों को मुसलमानों के घरों में प्रवेश करने का। तीसरा, मैं हैरान हूँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि किसी भी कीमत पर बदले की भावना से ये सब नहीं होगा। बहराइच मामले के तत्काल बाद PWD ने 23 दुकानों को और मकानों को तोड़ने के नोटिस जारी कर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ी विचित्र स्थिति कर दी, 15 दिन की रोक लगाई है। ये सब का सब एक षड्यंत्र है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, बहुत दुख अफसोस की बात है कि राम गोपाल मिश्रा की पत्नी बहुत कम उम्र में विधवा हो गई। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें 1300 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमे हैं, 125 के करीब आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। 1300 से ज़्यादा लोगों पर जो मुकदमे हैं, उसमें भी एक भी आदमी किसी बड़े राजनेता के घराने का नहीं है। जो मारा गया राम गोपाल मिश्रा, वो भी बहुत गरीब परिवार से है। तब हमको और आपको सोचना पड़ेगा मेरे प्यारे देशवासियों, जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है तो उस हत्या के बाद उस हत्या के बदले में किस पार्टी को फायदा होने वाला है? उसी पार्टी को फायदा होने वाला है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जो पार्टी सत्ता में है, जिसके इशारे पर जानबूझ करके वहाँ पर मुसलमानों के घर पर इस प्रकार का हल्ला बोला गया, और वोट के लिए एक तरफ राम गोपाल मिश्रा की हत्या और दूसरी तरफ 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का षड्यंत्र भी योगी सरकार कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट देखो क्या निर्णय लेता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूँ कि चुनाव 20 नवंबर के वोटिंग से पहले कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत चिंता की बात है पूरे देश के अंदर। मैं व्यक्तिगत तौर पर जनसंघर्ष वाहिनी के बिहार पर 3 दशक से ज़्यादा समय से शहर के दिल्ली के खासकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कॉलोनियों को बचाने की भूमिका में रहा हूँ। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब शहर में गांव से व्यक्ति निकलता है तो अपना मकान सर पर लेके नहीं चलता है, उसे शहर में जाना होता है रोजी रोटी के लिए, रहने के लिए छत चाहिए होती है। और छत कहाँ से आएगी? वो सरकार उसको छत नहीं देती है, तो वह अपनी हैसियत से नौकरी करके 25-50 गज का जमीन लेकर घर बनाता है। और उसमें जब ऐसी सरकार आ जाए जिसका जीवन सिर्फ 5 साल के लिए होता है, वो 50 साल पुरानी कॉलोनी को भी बुलडोजर से ध्वस्त करती है कि ये घर देखिए अवैध है। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि देश में इस बुलडोजर राज से भी देशवासियों को मुक्ति, ये सवाल हिंदू का घर का नहीं, मुसलमान के घर का नहीं, ये मसला है कि जब आप शहर में निकलेंगे गाँव से तो घर आपको ऐसे ही खरीदने पड़ेंगे, और वो घर में कब आपके बेटे से, कब आपके किराएदार से, कब आपके पड़ोसी से गलती हो जाए और कब उसमें योगी और मोदी का बुलडोजर चल जाएगा, इसका भी आपको हमको सबको सोचना पड़ेगा। बहराइच दंगे पे कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? नहीं, एक मिनट, ये कांग्रेस से आप पूछे, बहराइच दंगे पर, देखिए दंगा नहीं है, एक मिनट, बहराइच का दंगा नहीं है,
बहराइच दंगा तब होता है जब दो समुदाय आमने और सामने होते हैं। बहराइच का मामला बड़ा साफ है। दुर्गा विसर्जन मामले में राम गोपाल मिश्रा जुलूस में शामिल था, वो जाता है और सरपराज के घर पर ऊपर जब वो ग्रिल तोड़ता है, ग्रिल तोड़ने की बड़ी आवाज आती है, पूरा परिवार डरा हुआ था। उस परिवार में उसको लगा हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसने सुरक्षा में डर के मारे गोली चलाई है। ये बात मैं ये नहीं कह रहा उसने अच्छा किया, लेकिन शासन प्रशासन योगी राज में उसके पास उसको लगा इसके अलावा कोई और तरीका बचने का नहीं है। आप कल्पना करो, आप अपने घर में हो और कोई आकर आपकी छत में चढ़ करके आपके ग्रिल तोड़ दे, ग्रिल तोड़ने की आवाज़ से आप और बाहर नारेबाजी हो रही हो, आप सुरक्षा में क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी बात है कि राम गोपाल मिश्रा के बाद लूटपाट हुई, आगजनी हुई, चुन चुन करके उसी तरीके से जिस तरीके से 23 दुकानों को और 23 मकानों को चुन चुन करके PWD ने गिराने के नोटिस जारी किए, इसके इतर कुछ और नहीं है। उसमें हिंदुओं के भी मकान है। मैं एक मिनट, मैंने क्या कहा, चुन चुन कर कहा ना मैंने, भाई उत्तर प्रदेश में अगर मात्र सिर्फ बहराइच में ही है, जैसे दिल्ली में भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया एक कॉलोनी को ढहाने का, कहा कि यमुना गंदी हो रही है। मैं तो दिल्ली हाई कोर्ट में बैठे जजों से कहना चाहता हूँ, चलाइए बुलडोजर कल ले आज चला दो, लेकिन दो सबूत के उस कॉलोनी को गिराने के बाद यमुना बिल्कुल पवित्र हो जाएगी, ये सोचना पड़ेगा। आप गरीब के घर गिराओगे, कहोगे कि यमुना को शुद्ध करना है, और यमुना और गंगा के शुद्धिकरण के नाम पर 2014 से नहीं, उससे पहले से योजना चल रही है, खरबों खरब रुपए ठिकाने लग गए पर शुद्धिकरण नहीं हुआ है। ये बात भी आपको और हमको सोचनी पड़ेगी।